हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस अड्डा। इस चैनल पे आपको हर एक साइंटिफिक क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड का हो। और साथ ही बता दें कि हम इस चैनल को जनरेट किया गया है ताकि सबसे इजीली हर एक नोट्स के फॉर्म में, मतलब सब कुछ अवेलेबल हो जाए सिंपली। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 8 ऑफ क्लास 11। तो बात करते हैं सेल की, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो यूनिट ऑफ लाइफ है, इसको सबसे पहले देखा था एंटनी वॉन लुवेनहॉक ने देखा था। उसने खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया था, उसको सिंपल माइक्रोस्कोप कह सकते हैं। तो उस सिंपल माइक्रोस्कोप से उसने कॉर्क का, कॉर्क उसका एक सेक्शन काटा और उसको उसने देखा। तो उसमें कई सारे अरेंजमेंट ऑफ सेल्स मिल गए उसको, सिंपली लाइक दिस। और उस कॉर्क, मतलब कॉर्क की उसने शीट ली और इसका पतला सेक्शन काटा, बहुत ही पतला सेक्शन। फिर उसने माइक्रोस्कोप में देखा तो उसे जो दिखाई दिया उसने उसी को डिफाइन किया। ओके, तो जो कॉर्क है, आपने सुना होगा ओक ट्री, ओक ट्री, उसी ओक से कॉर्क बनता है। ओके, तो उसने देखा कॉर्क से। और लेटर ऑन जो रॉबर्ट ब्राउन था वहाँ, उसने न्यूक्लियस को देखा कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। ओके, एंड बिफोर दिस एंटनी वॉन लुवेनहॉक इन 1665। Think about the time before, how much time he has discovered the cell, not discovered but told about cell, the basis of life. So later on जब microscope आया तो nucleus देखा गया और भी सारे बड़े organisms देखे गए थे, but after the discovery of electron microscope इसको देखा था किसने, सारे ऑर्गेनल्स डिस्कवर हुए थे फिर बाय द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अब बनाया किसने, इन 1901 टू साइंटिस्ट वर देयर, उनका नाम है एम कनॉल एंड ई रुस्का। ये दो वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाया था। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क करता है, उसका प्रिंसिपल होता है कैथोड रे लाइट, जिसे पढ़ा होगा क्लास 11 में सेकंड चैप्टर में केमिस्ट्री के। तो कैथोड रे लाइट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो सब देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो सेल थियोरी, सेल 1665 में जब एंटनी वॉन लुवेनहॉक ने बताया, उसके बाद कई सारी थियोरीज आई उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे कैसे हम कैसे कैसे उसका अरेंजमेंट हुआ है और कैसे कैसे वो फंक्शन करती है, क्या क्या उसमें प्रेजेंट है और क्या क्या, मतलब किस प्रोसेस के थ्रू वो सर्वाइव करती है, कैसे वो डिवाइड करती है, कैसे रिप्रोड्यूस करती है, और भी बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में देखेंगे। तो अब है ये सेल थियोरी। तो सेल थियोरी, जर्मन बॉटनिस्ट स्लाइडन, उसने सबसे पहले प्लांट को ऑब्जर्व किया, कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू एट द सेम टाइम। शॉन, ही इज ऑल्सो अ जूलॉजिस्ट ऑफ इन ब्रिटिश, ओके, स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टूडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो दोनों साइंटिस्टों ने कंक्लूजन निकाला लेटर ऑन कि, और फिर दोनों के कंक्लूजन को यूनाइट किया गया। उसके बाद यूनाइट करने के बाद इस पैराग्राफ में, ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेसिस ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स। ऑन द बेसिस ऑफ दिस शॉन प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सो जो ओवरऑल रिजल्ट मिला वो ये था,
था, शॉन प्रपोज दैट द हाइपोथेसिस ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. सो जो सेल्स हैं हमारी वो किसी न किसी सेल से डिराइव हुई हैं, ओके, और उसी के प्रोडक्ट से वर्क करती हैं. तो स्लाइडन एंड शॉन टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थियोरी. दिस थियोरी हाउ एवर डू नॉट एक्सप्लेन एज हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड. ओके, तो न्यू सेल की फॉर्मेशन को एक नए साइंटिस्ट ने बताया, उसका नाम था रुडोल्फ विर्चौ. उसने बताया कि जो सेल्स एग्जिस्ट कर रही हैं वो डिराइव हुए हैं अपने पुराने सेल्स से. उसने एक ग्रीक में एक कोड दिया था, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला. ओके, इसका मतलब है ऑल द सेल्स आर अराइव्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मतलब पहले जो सेल्स एग्जिस्ट कर रही थी उससे डिराइव हुए हैं कई सारे सेल्स, जो भी सेल्स हैं. ओके, नाउ फाइनली जो कंक्लूजन आया था वो ये दो पॉइंट्स में कंक्लूड कर दिया. ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, एंड द सेकंड वन इज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सो ये तो क्लियर होगा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे किसी न किसी सेल से डिराइव हुए हैं. ओके, और जो नेक्स्ट पॉइंट है कि सारे सेल्स जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो किसी न किसी पुराने सेल से आए हुए हैं. नाउ ओवरव्यू ऑफ सेल, इसमें टाइम ना खराब करते हुए हम सीधे ऑर्गेनिज्म पे चलते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कशन किया गया है. प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं. द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, लुग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड PPLO. इसका फुल फॉर्म देख लेना, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. अब प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है? मतलब प्रो मतलब प्रिमिटिव, इस ऑकैरियन, प्रो मतलब प्रिमिटिव, ऑकैरियन मतलब न्यूक्लियस. जिसका न्यूक्लियस बहुत ही प्रिमिटिव होता है, मतलब ओल्ड कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके न्यूक्लियस में, उसी को प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं. उसमें इंक्लूडेड है बैक्टीरिया, लुग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा. ओके, ऑल द मोनेरांस, मोनेरा, आई थिंक रिमेंबर, यू रिमेंबर मोनेरा, दे आर ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स. एंड द नेक्स्ट वी विल डिस्कस, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स. मतलब मल्टीप्लीकेशन जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स. ओके, एंड द शेप एंड साइज वेराई ग्रेटली. मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिलेंगे, सेल के स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, साइज में वेरिएशन बहुत ज़्यादा दिखेगा. तो शेप्स की बात करते हैं तो उसमें मिलता है कॉमा शेप, ओके, स्पेरिकल शेप, बैसिलस शेप, रॉड शेप, स्पाइरल शेप. ओके, एंड द नेक्स्ट पैरा विल डिस्कस, एज यू देयर कोकस, स्पाइरल, वाइब्रियो शेप, स्पाइरल शेप. ओके, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर, इवन थ्रू प्रोकैरियोटिक सेल एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन. ऑल प्रोकैरियोटिक्स हैव अ सेल वॉल. ओके, तो प्रोकैरियोटिक्स में इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है सेल वॉल, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ही है, मतलब मोनेरा का किंगडम का वो है ऑर्गेनिज्म. तो माइकोप्लाज्मा ही एक ऐसा मोनेरा है जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती. ओके, उसमें सेल के अंदर एक फ्लूइड होगा, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं. देर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस ज़्यादा डेवलप नहीं होता, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. ओके, मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, मतलब जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड का मतलब है कि उसमें न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा तो उसके अंदर जो डीएनए कंटेंट होगा वो इजीली नेकेड होगा. मतलब नेकेड मतलब नॉट कवर्ड, मतलब साफ साफ दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर देखेंगे तो. उस तरह तो एक कवर होगी उसके ऊपर न्यूक्लियस के, बट नेकेड है तो कोई कवर नहीं होगा. इन एडिशन, इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इन एडिशन टू द जीनोमिक
DNA, single chromosome, circular DNA, mainly bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. देखो इन प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है इंसिपिएंट न्यूक्लियस, मतलब प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस को इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहा जाता है, तो इसमें अदर देन न्यूक्लियस और भी सारे डीएनए प्रेजेंट होंगे जो कि सर्कुलर होंगे, लाइक सर्कल्स में होंगे, ऐसे सर्कल्स में डीएनए, डबल स्टैंडर्ड, देखते हैं, डबल स्टैंडर्ड होगा ऐसे, इस तरह डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा, ओके, उसको प्लाज्मिड कहते हैं, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। सो डेफिनेशन अगर बनाना चाहे तो द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड अ प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड, द स्मॉल डीएनए आर प्लाज्मिड्स, द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्ड सर्टन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू रिसर्च बैक्टीरिया। ये क्लास 12 का कंटेंट है, उसमें आप पढ़ लेंगे, ओके? उसमें मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस कैसे मिल रहा है, मतलब बैक्टीरिया को अगर किल करना है तो कैसे कैसे एंटीबायोटिक बनाया जाए, उसका प्रोसेस है, वो आगे डिस्कस होगा, ओके? सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के चारों ओर जो मेम्ब्रेन होगी वो यूकैरियोट्स में मिलती है, ना कि प्रोकैरियोट्स में। और तो और साथ में ऑर्गेनल्स की बात कर ले, न्यू ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट राइबोसोम्स। अब एक बात याद रखना हमेशा कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो दुनिया के हर सेल में प्रेजेंट होगा। राइबोसोम एक ऐसा मतलब सेल ऑर्गेनल है जो कि दुनिया के हर एक ऑर्गेनल, मतलब दुनिया के हर एक सेल में प्रेजेंट होगा, रिमेंबर दिस, ओके? बाकी सारे एब्सेंट प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन राइबोसोम विल बी प्रिंसिपली प्रेजेंट इन द सेल। सो अदर पॉइंट इज प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। एक इंक्लूजन बॉडीज, एक्स्ट्रा बॉडीज होती है, जैसे गैस वैक्यूल हो गई, फाइनोजेंस हो गए, आगे डिस्कस करेंगे, ओके? सो अब बात करते हैं न्यूक्लियर एनवलप एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ प्रोकैरियोटिक। हम जो भी बात कर रहे हैं अभी प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल, हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवलप। द सेल एनवलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर, द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स। सो जो सेल वॉल है, मतलब सेल मतलब जो आउटर कवरिंग है प्रोकैरियोटिक सेल की, उसमें तीन डिस्टिंक्ट पार्ट हैं। एक तो आउटर मोस्ट पार्ट ग्लाइकोकैलिक्स, फिर है सेल वॉल, और फिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो तीन पार्ट हो गए, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ एनवलप फॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन। तो डिस्टिंक्ट फंक्शन देख लेते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स एक सपोर्टिव नेचर देता है, जिसके वजह से जो बैक्टीरिया है या फिर प्रोकैरियोटिक सेल है कहीं पे चिपक सकता है, ओके? ग्लाइकोकैलिक्स कहीं पे होल्डिंग के लिए, ग्लाइकोकैलिक्स इज फॉर होल्डिंग समथिंग, ओके? और सेल वॉल प्रोडक्शन के लिए, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ताकि सिलेक्टिव परमेबिलिटी मेंटेन रहे, मतलब ऑस्मोलैरिटी के लिए, ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इनर टू आउटर साइड हो सके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? इनर टू आउट एंड आउट टू इन, जो सब्सटेंसेस का ट्रांसफर होता है उसको रेगुलेट करना, ओके? देर इज दे एक्ट टुगेदर एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। लेकिन ओवरऑल अगर फंक्शन देखें, जो कॉमन फंक्शन है तीनों का, वो प्रोटेक्टिव यूनिट है, मतलब एज अ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन सेल एनवलप एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग। तो स्टेनिंग एक प्रोसीजर है जिसके वजह से सेल्स को कलराइज करते हैं। उसको दिया था हैंस क्रिश्चियन ग्राहम ने। द स्टेनिंग प्रोसीजर वॉज गिवन बाय हैंस क्रिश्चियन ग्राहम। देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेजेंट स्टेन्स, द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। एक स्टेनिंग प्रोसीजर आता है, इसमें क्या होता है, पहले बैक्टीरिया को आयोडीन से वॉश करेंगे, मतलब आयोडीन में डिप करेंगे,
उसके बाद अल्कोहल से वॉश करेंगे। अगर जो पर्पल कलर होगा आयोडीन का, पर्पल कलर ऑफ आयोडीन अगर बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, इसका मतलब कि स्टेन को अडैप्ट कर रहा है। अगर स्टेन को अडैप्ट कर रहा है तो ग्राम पॉजिटिव है, मतलब कलर चढ़ गया उस पर बैक्टीरिया पे तो ग्राम पॉजिटिव, अगर कलर नहीं चढ़ रहा है तो ग्राम नेगेटिव। बस सिंपल प्रोसीजर था उसका, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। इसका एक मेन रीज़न है उसके लिए बता दें कि जो ग्राम नेगेटिव है इसमें सेल वॉल में लिपिड कंटेंट ज़्यादा है, जिसके वजह से लिपिड क्या होता है, लिपिड हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा अटैच नहीं होता ना किसी भी, तो इसी वजह से सॉल्वेंट अटैच नहीं हुआ जिसकी वजह से ग्राम नेगेटिव हो गया, उस स्टेन को अडैप्ट नहीं किया उसने। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन। तो जो आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स है, देखो पहले क्या था, ग्लाइकोकैलिक्स था, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ग्लाइकोकैलिक्स में दो पार्ट बनेंगे, एक तो बनेगा हमारा स्लाइम लेयर और दूसरा कैप्स्यूल। अगर सॉफ्ट लूज शीथ बनेगी, लूज शीथ आउटर मोस्ट लेयर अगर लूज शीथ होगी तो स्लाइम लेयर, अगर थिक एंड टफ बनेगी, थिक एंड टफ बनी तो उसको कहेंगे कैप्सूल कह देंगे। बस सिंपल, अगर लूज शीथ हुई तो स्लाइम लेयर, थिक एंड टफ हुई तो कैप्सूल। ओके, अब नाउ द सेल वॉल। द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। देखो अगर जैसे सुना होगा ना हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन, है ना, अगर उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दिए तो कोलैप्स हो जाएगी। रख दिए नहीं मतलब अगर गलती से बैक्टीरिया किसी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में चले गया या रख दे उसको तो क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। उससे बचने के लिए ये सेल वॉल हेल्प करता है। सेल वॉल क्या करता है, एक आउटर स्केलेटन प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से क्या होगा कि उसका जो शेप है वो मेंटेन रहेगा। ओके, और दूसरा अगर उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख देंगे तो बस्टिंग नहीं होगी, मतलब वो सेल फूटेगी नहीं, फटेगी नहीं, सेल रप्चर नहीं होगा, बस्टिंग नहीं होगी अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो। जिस सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में बस्ट हो जाएगी और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में कोलैप्स हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए बैक्टीरिया है स्पेशल कैरेक्टर नेम्ड सेल वॉल। ठीक है, नाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एक्टिवली परमीएबल इन नेचर एंड इंटरैक्ट्स विद आउटर वर्ल्ड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक फंक्शनल लेयर है इन तीनों में, किसमें किसमें, ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल एंड वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फंक्शनल बॉडी की तरह काम करती है, बाकी सब एज इट इज पड़े हुए रहते हैं और कोई काम होता नहीं है, मतलब कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते बट मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमीएबल इन नेचर एंड इंटरैक्ट्स विद आउटर वर्ल्ड। द मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोटिक। ओके, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोटिक की, वो सिमिलर होती है यूकैरियोटिक के। अब मेन पॉइंट आ रहा है मेसोसोम्स। मेसोसोम्स कई बार पूछा जाता है बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट रेड इट दिस। सो एक स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है विच इज़ फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू सेल। अब इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा, जैसे कि सेल है, अगर ये जो सेल है अगर ये अंदर की तरफ फोल्ड होने लगी, फोल्ड इन फोल्डिंग्स होने लगती है इसके अंदर इनर साइड में, जैसे ये इनर साइड इन फोल्डिंग होगी तो जो इसका सरफेस एरिया बढ़ता है, सी इसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो इसके सरफेस एरिया बढ़ने से इसको दो तरह के फायदे होते हैं। पहला कि इसके पास कोई फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता नहीं है तो यहाँ पे कई सारे एंजाइम्स फंक्शन कर सकते हैं। ओके, मेसोसोम्स इसमें क्या होता है, ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं ऐसे ट्यूब लाइक, लेकिन बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं तो पता नहीं चलता। तो इसमें वेसिकल्स हैं, ट्यूब्यूल्स हैं और लैमेली, ठीक है, विच हेल्प्स सेल वॉल फॉर्मेशन। इसका मेन फंक्शन क्या है, सेल वॉल फॉर्मेशन है।
सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स. जब सेल डिवीजन होगा तो डॉटर सेल्स मतलब जो सेल्स बनेंगी दो सेल उनमें क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन. अब जो मेन पॉइंट आता है वो देखते हैं. दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिक्रेशन प्रोसेस एंड इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दे हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिक्रेशन प्रोसेस, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट. अब जैसा कि बैक्टीरिया के पास कोई फोटोसिंथेटिक ऑर्गन नहीं होता तो उसके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है, स्पेशल ऑर्गन, उसको कहते हैं क्रोमेटोफोर. उसका नाम है क्रोमेटोफोर, जो कि क्लोरोफिल की तरह फंक्शन करता है. क्लोरोफिल नहीं होता है लेकिन क्लोरोफिल की तरह फंक्शन करता है. ठीक है, तो बात करते हैं बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल. यहाँ मोटाइल का मतलब मूवेबल और नॉन मूवेबल. ठीक है, मोटाइल मतलब चल सकता है, नॉन मोटाइल मतलब नहीं चल सकता. ठीक है, इफ़ मोटाइल अगर मोटाइल होगा, दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला. जैसे अगर ये एक सेल है तो उसके पीछे कैसे टेल लाइक स्ट्रक्चर निकला होगा, इसी को फ्लैजेला बोलते हैं, इसी को फ्लैजेला कहते हैं. ये एक फ्लैजेला है, अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो वो मोटाइल है, मतलब चल सकता है. ठीक है, फ्लैजेला होगा. बैक्टीरिया शो रेंज ऑफ नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला, मतलब एक बैक्टीरिया में, ये एक बैक्टीरिया है, इसमें कई सारे फ्लैजेला हो सकते हैं. फ्लैजेला कई सारे, फ्लैजेला, फ्लैजेलास, फ्लैजेलास. ठीक है, अब इस फ्लैजेला, जैसे कई सारे फ्लैजेला है तो उसके बेसिस पे भी इसका मतलब क्लासिफिकेशन होता है. जैसे सिंगल है, जैसे अगर सिंगल है अब ये बन गया ए बैक्टीरिया, अगर सिंगल फ्लैजल प्रेजेंट है, सिंगल फ्लैजल है तो ट्रीचियस. ओके, अगर दो फ्लैजला है, सी दो फ्लैजला है तो एम्फीट्रीचियस, कई सारे फ्लैजला निकले हो चारों तरफ तो पेरीट्रीचियस. ठीक है, अगर फ्लैजला एब्सेंट है, फ्लैजला एब्सेंट है तो एट्रीचियस. ठीक है, तो इस फ्लैजला के, ये रहा फ्लैजला, इस फ्लैजला के तीन पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. तीन पार्ट, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. अब द फिलामेंट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट, ये जो पूरा सेगमेंट है ये क्या है, उसका फिलामेंट है. अब अंदर साइड उसका ये पार्ट, इसी में हुक होगा, यहाँ पे ये पॉइंट हुक का होगा और अंदर बेसल बॉडी प्रेजेंट होती है. सेल के अंदर बेसल बॉडी होती है, मतलब किसी का बेस कहाँ होगा, अंदर ही होगा ना, तो उसी तरह बेसल बॉडी अंदर होगी सेल के. तो द फिलामेंट इज़ द लॉन्गेस्ट पोर्शन एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड. ठीक है, अब मोटाइल होने ना होने के लिए तीन ऑर्गेनेल यहाँ पे भी हैं, एक फ्लैजेला, पाइली एंड फेम्ब्रे. फ्लैजेला, पाइली एंड फेम्ब्रे आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले इन मोटेलिटी. फ्लैजेला चलने के लिए मतलब मूव करने के लिए फ्लैजेला ही रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन पाइली और फेम्ब्रे ये सरफेस पर चिपकने के लिए होते हैं, मतलब अटैच होने के लिए. फेम्ब्रे आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल. इन सम सेल इट हेल्प इन अटैच द बैक्टीरिया टू द रॉक स्ट्रीम्स एंड ऑल थ्रू द होस्ट टिश्यू. मतलब कोई भी अगर इन्फेक्टिव बैक्टीरिया होगा, अगर होस्ट सेल में मतलब होस्ट की बॉडी में अगर चिपकना होगा तो फेम्ब्रे हेल्प करेगा और पाइली हेल्प करेगा. ठीक है, तो अब बात करते हैं राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज़ की.
In prokaryotes, ribosomes are associated with plasma membrane of the cell. They are about 15 to 20 nanometer in size and made up of two subunits, 25S and 30S units, which when present together form 70S. Yaad rakhna, jo 70S ribosome hai, uski jo subunits hai, 50S and 30S, do milke 70S banate hai. Yaha pe mathematical calculation mat apply karna, okay? Ribosomes are site of protein synthesis. Ribosome help karta hai protein ke synthesis mein, protein ke formation mein, matlab ribosome se protein banta hai, theek hai? Several ribosomes may attach a single mRNA in the form of chain are called polyribosomes. Jaise agar koi, ab isko thoda describe karna padega, jaise agar koi chain hai, ये एक mRNA अगर है, mRNA एक मतलब ये क्या होता है, लॉन्ग चैन होती है, एक mRNA इज़ ए लॉन्ग चैन. अगर इसमें ढेर सारे राइबोसोम, अगर मैं राइबोसोम दिखा रहा हूँ ये लाइंस को, अगर ढेर सारे राइबोसोम्स इस तरह अटैच हों किसी mRNA में, तो उसको कहेंगे पॉलीसोम. इसको कहेंगे पॉलीसोम, पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम, ठीक है? तो राइबोसोम्स और पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन्स. ये क्या करते हैं, राइबोसोम्स और पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन. अगर फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे तो इसको ज़्यादा, ये स्लैंग को और डिस्क्राइब करना यहाँ मुश्किल है इस स्टैंडर्ड पर, ठीक है? अब बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज. इंक्लूजन बॉडीज ये एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडीज होती है, मतलब एक्स्ट्रा मतलब इसका कोई ज़्यादा खास काम नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होती हैं. इसमें फंक्शन देखते हैं, रिजर्व मटेरियल्स इन प्रोकैरियोटिक्स, रिजर्व मटेरियल एक्स्ट्रा मटेरियल्स आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज. इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, फ्री इन साइटोप्लाज्म. इसका एग्जांपल्स क्या है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, गैस वैक्यूल्स फाउंड इन पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है? अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की. अब जैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम में डिस्क्राइब किया था कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई, ये पांच किंगडम हैं, तो मोनेरा ही सिर्फ ऐसा है जो कि प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे यूकैरियोटिक हैं, ठीक है? प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई आर यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस मटेरियल है, लेकिन अगर इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो इसको कहेंगे यूकैरियोटिक. लेकिन अगर एब्सेंट हो जाए वही, तो हो गया ये प्रोकैरियोटिक. अगर प्रेजेंट हो गया तो यूकैरियोटिक. ओके, तो इन यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म देयर इज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. मतलब ना कि सिर्फ सेल ऑर्गेनल, मतलब ना कि सिर्फ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, साथ ही साथ जितने ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, जैसे अगर सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, लेकिन अगर कोई भी अदर ऑर्गेनल होगा उसके चारों तरफ भी क्या होगा, मेम्ब्रेन होगा, एक्सेप्ट राइबोसोम. यूकैरियोटिक सेल पोजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर एनवेलप. इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल दे हैव वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स. ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है? सारी यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है, यूकैरियोटिक सेल्स, वो सेम नहीं होती. प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पोजेस सेल वॉल एंड प्लास्टिड्स. The last central vacuole which is absent is cell wall.